झूठा पार्टी का कहाँ आप लोग बात सुनते हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आने दीजिए चुटकी। सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला स्थिति है, बीजेपी बिहार की बेरोजगार हो गई। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं DNA न्यूज। खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, दरअसल ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश ने। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सबसे बड़ा बेरोजगार पार्टी तक कह दिया है। उन्होंने इस बार जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच उसको ऑलरेडी देख रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। JPC तो पूरी 18-19 पार्टी लगातार इस बात का डिमांड करते रही है और ये पहली बार नहीं है। 92 में हुआ, 2002 में हुआ, 2G में भी सुप्रीम कोर्ट जब देख रही थी तब भी हुआ था JPC। ये कोई नई बात नहीं है। JPC का क्या मतलब है? JPC का मतलब ये है कि जो नेक्सस है PMO और अदानी के बीच का, वो सार्वजनिक हो जाएगा। ज़्यादा नंबर तो BJP का ही है, वो बनाने से क्यों डर रहे हैं? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे, लेकिन वो कागज तो सब चले आएगी। कांग्रेस के भी हाथ है, JDU के पास भी, RJD के पास भी, शिवसेना के पास भी, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग डर रहे हैं, दाल में काला है। शरद पवार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों नहीं चाहते बीजेपी? अब शरद पवार जी क्यों बोले, कहाँ बोले, ये इसका निश्चित उत्तर तो उन्हीं से मिलेगा आपको। लेकिन उनकी पार्टी तो JPC का डिमांड किए हुए है। अपने कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाई है, कह रही है कि 24 में 40 में 0 सीट आएगा महागठबंधन को। अरे झूठा पार्टी का कहाँ आप लोग बात सुनते हैं, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आने दीजिए चुनाव। अभी तुरंत कर्नाटक का चुनाव है, 10 मई का इंतजार करिए, फिर देखिए। नीतीश कुमार मौलाना टोपी लगा लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला स्थिति है, बीजेपी बिहार की बेरोजगार हो गई। नीतीश जी सेकुलर गवर्नमेंट बना दिए, अब बीजेपी का लोग सड़क पर आ गया तो बेरोजगारी में कुछ तो बोलेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।